गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज है। सीएम आज सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे और हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार। 10:30 पर विकास कार्यों की समीक्षा और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा बैठक होगी और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में होगी समीक्षा बैठक। कमिश्नरी सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। की बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, उस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर सीएम आज सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना भी करेंगे और हिंदू सेवा आश्रम में लगाएंगे जनता दरबार। तो हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया जाएगा। 10:30 पर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। तो उस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और कमिश्नरी सभागार में होगी समीक्षा बैठक। उस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, क्या कुछ शेड्यूलिंग है, डे प्लान क्या है, विस्तार से समझाइए। देखिए, बता दें आपको कि दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है और प्रातः सुबह उन्होंने बाबा गोरखनाथ का पूजा अर्चना किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो गौशाला में गाय है उनको गुड़ भी खिलाया, साथ ही उनको उनका जो प्यारा कुत्ता है गुल्लू उसको भी काफी बिस्कुट देकर दुलार किया। इसके बाद सीएम योगी लगातार जनता दरबार लगाते आए और आज ही उन्होंने जनता दरबार लगाए, कई सैकड़ों से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी और त्वरित निस्तारण का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ आपको बता दें कि आज अभी 10:30 समीक्षा बैठक करनी है, जब जहां पर कानून व्यवस्था और विकास की परियोजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक होगी, जहां पर कमिश्नर स्तर के अधिकारी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और उनके साथ कानून व्यवस्था और विकास की परियोजना के साथ समीक्षा बैठक होगी। और आपको बता दें कि आज शाम को ही सीएम के लखनऊ वापस होने की संभावना है। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर सीएम सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और जिसके बाद आपको बता दें कि आज समीक्षा बैठक भी होगी। तो यह अहम जानकारी, हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार भी लगाएंगे।